कर्मा दो तरह के होते हैं, एक कर्मा और एक विकर्मा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। जिस कर्म से लोक कल्याण का फायदा होता है या किसी दूसरे जन की उन्नति होती है, आपका वो एक्ट शुभ कर्मा है। और आपके जिस कर्म से इस ब्रह्मांड में नेगेटिव ऊर्जा जाती है, दूसरे का पतन होता है, वो आपका विकर्मा है। ये आपके ऊपर बंधन है इस पृथ्वी पे आके कि आपको यहाँ शुभ कर्मा करने चाहिए जिस लोक कल्याण का फायदा। आपको काम करने से मना नहीं किया गया, मगर जो कर्म आप करते हैं उसके साथ जो इमोशन जुड़े हैं वो शुभ होने चाहिए। जब वो शुभ होंगे तो आप एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां सबको अच्छा लगेगा। अब आप कैसे इमोशन जोड़ते हैं? अगर आप ग्रीड का इमोशन जोड़ेंगे, आप क्रोध का, एंगर का, मारने का, पीटने का ये इमोशन जोड़ेंगे तो वो ऊर्जा चलेगी। क्या कुछ ऐसी जगह जाते हैं, आपको कभी लगाओ कहीं जगह जाके आपकी, यार मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बड़ी नेगेटिव सी जगह है, हॉस्पिटल, शमशान, क्योंकि वहां कैसी ऊर्जा है? दुख भरी ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है। जब ऐसी ऊर्जा आप यूनिवर्स में भेजते हैं तो उससे जिस ब्रह्मांड का निर्माण होता है वो अवनति लेके आता है, उन्नति नहीं लेके आता। तो जो कर्म है वो एक्शन जमा इमोशन, और जब कर्म आप करते हैं तो उसका फल भी निश्चित है, आप इस चक्र से छूट नहीं सकते। तो जब आप अपनी जीवन यात्रा जीते हैं तो उस जीवन यात्रा में आपने कितनी पॉजिटिव ऊर्जा या कितने शुभ कर्म किए हैं वो सारे शुभ कर्म आपके साथ जाएंगे। तो शुभ कर्मों का तय होना बहुत जरूरी है कि शुभ कर्म होते क्या है।